वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज बनानी एंड यू आर वाचिंग ब्यूटी विद बनानी। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ मेरा खुद का विंटर स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी। सो गाइज, विंटर में स्किन केयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। विंटर सीजन में स्किन सबसे ज़्यादा डल और डैमेज भी होता है, इसीलिए विंटर में सबसे ज़्यादा स्किन को केयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो विंटर सीजन में स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है एंड ड्राई होने के बाद एक्ने का प्रॉब्लम, पिंपल का प्रॉब्लम, अनइवन स्किन टोन एंड सन टैन, एंड विंटर में सबसे ज़्यादा सन टैन की प्रॉब्लम भी होती है। इसीलिए विंटर सीजन में बहुत ही अच्छे से हमें स्किन केयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप मेरा खुद का विंटर स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले अब जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साइड में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, फर्स्ट मैं यूज़ करूँगी फेस वॉश। फेस वॉश के लिए मैं मामाअर्थ की विटामिन सी फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, मैं दिस फेस वॉश यूज़ करूँगी। इस फेस वॉश को यूज़ करने से जो अनइवन स्किन टोन है वो धीरे धीरे से इवन होता है एंड विटामिन सी फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो मैं अब इस फेस वॉश को यूज़ करूँगी। आप लोग देख सकते हो कि मैंने फेस को वॉश कर लिया है, अब मैं स्क्रबिंग करूंगी। स्क्रबिंग के लिए मैं यूज करूंगी मामा अर्थ की कोको फेस स्क्रबर, एक बहुत ही अच्छा स्क्रबर होता है एंड दिस इज कॉफी विथ कोको स्क्रबर एंड इससे बहुत ही अच्छे से जो डेड सेल है वो धीरे धीरे से रिमूव होता है। एंड अब सभी को ही पता है कॉफ़ी एंड कोको शिया बटर इस सब कुछ ही विंटर के लिए बहुत ही अच्छा होता है एंड दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप। सो ऑल स्किन टाइप ही इस स्क्रबर को यूज़ कर सकते हैं। मामा अर्थ की प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है, एक नेचुरल ब्रांड है। सो आप देख ही सकते हो कि मैंने इस स्क्रबर को कितना यूज़ किया है कि ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। सो मैं अब इस स्क्रबर को यूज़ करूँगी। एंड गाइज, विंटर में हमें वीक में 2 या 3 दिन स्क्रबिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि विंटर में सबसे ज़्यादा स्किन डल और डैमेज भी होता है, इसीलिए विंटर में 2 या 3 डेज हमें स्क्रबिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्क्रबिंग से जो डेड सेल है वो धीरे धीरे से रिमूव होता है एंड जो एक्ने स्पॉट एंड जो पिगमेंटेशन की दाग, जो रैश, जो पिंपल का प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे से ठीक होता है। तो विंटर सीजन में हमें 2 या 3 डेज स्क्रबिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग देख सकते हो कि मैंने फेस को वॉश कर लिया है एंड मेरा फेस कितना फ्रेश लग रहा है। सो विंटर सीजन में स्क्रबिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा स्किन डल और डैमेज भी होता है और रैश का प्रॉब्लम बहुत ही होता है एंड स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाती है। सो एंड विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा सन टैन की प्रॉब्लम भी होती है, इसीलिए स्क्रबिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्क्रबिंग करने से इन सब प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत छुटकारा भी मिलता है, स्किन थोड़ा बहुत ठीक भी होता है। सो मैं अब टोनर यूज़ करूँगी। टोनर के लिए मैं आज गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो,
टोनर यूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टोनर से जो स्किन के पीएच बैलेंस है वो मेंटेन रहता है एंड स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्रेश भी होता है एंड टोनर से बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट भी होता है स्किन। सो गाइज, अब मैं सीरम यूज़ करूँगी। सीरम के लिए मैं गुड वाइब्स का विटामिन सी फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हो लेकिन गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम बहुत ही अच्छा एक सीरम है एंड दिस गुड वाइब्स विटामिन सी सीरम आपके जो अनइवन स्किन टोन है उसको इवन करती है एंड जो एक्ने स्पॉट पिगमेंटेशन के दाग है उसको भी धीरे धीरे से रिमूव भी करती है। सो आप इस सीरम को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो एंड दिस इज वाटर बेस्ड सीरम। सो आप डे या नाइट कभी भी इस सीरम को यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। मॉइस्चराइज़र के लिए मैं निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। सो जिन लोगों का स्किन उतना ज़्यादा ड्राई नहीं है, थोड़ा बहुत ऑयली स्किन है, वो लोग इस मॉइस्चराइज़र को डेफिनेटली यूज़ कर सकते। एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है विंटर के लिए एंड विंटर में स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो स्किन में बहुत सारा प्रॉब्लम भी आती है मॉइस्चराइज नहीं करने से। विंटर में स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इसीलिए हमें कोई भी एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ही चाहिए। एंड आप इस मॉइस्चराइज़र को विंटर सीजन में मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हो एंड उसके बाद हमें लिप को भी बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए मैं आज कोई लिप बम यूज़ नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर बोरोप्लस की जो क्रीम है उसको एज ए लिप क्रीम की तरह मैं लिप्स पर यूज़ करूँगी, एक बहुत ही अच्छा लिप मॉइस्चराइज़र की तरह भी काम करता है। इस क्रीम से लिप्स बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ भी रहता है एंड एकदम ही ड्राई ड्राई फील नहीं होता है और क्रैक भी नहीं पड़ता है लिप्स पर। सो आप इस क्रीम को एज ए लिप मॉइस्चराइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, दिस इज़ माई विंटर स्किन केयर रूटीन। आई होप आप सभी को दिस वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। आपको अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना एंड ऑल्सो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा अच्छा वीडियो बना सकूँ। एंड गाइज, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके भी बताना कि आप लोगों को कैसी लगी दिस वीडियो। एंड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।